वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आज ओलाई फैक्ट्री प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको आज और कल दो दिन के लिए आरआरबी एनटीपीसी का टेस्ट फ्री आपके लिए अवेलेबल कराया जा रहा है। तो आप जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेस्ट दे सकते हैं और एक बेहतरीन आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट अवेलेबल करवाया जा रहा है। इसके अलावा मिनी टेस्ट आप डेली दे सकते हैं जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं होती है। 31 दिसंबर 2020 तक आप डेली यहां पर एक मिनी टेस्ट दे सकते हैं और यहां पर फ्री आपके लिए फुल टेस्ट भी आपको 100 नंबर का दिया जा रहा है। इसकी वैलिडिटी दो दिन के लिए, आप सैटरडे संडे दो दिन दे सकते हैं और ये लाइव आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसको आप देना ज़रूर भूलें। वीडियो ख़त्म होने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ आपको लिंक दे रखा है, लिंक से आप जाइए और इस टेस्ट को देना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए आई बटन पर वीडियो का लिंक दिया है, वहाँ से आप पूरी जानकारी चेक। दोस्तों स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हम जो प्रीवियस ईयर सीरीज कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 102 वीडियो है। हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 में शिफ्ट वाइज जो भी साइंस क्वेश्चन कराए गए हैं आए हुए हैं वो आपको करवा रहा हूँ। ये आपके पार्ट नंबर 102 वीडियो। इससे पहले मैंने 101 वीडियो बनाकर उनकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उनको देख सकते हैं। और ये 3/12 यानी कि 3 दिसंबर 2018 की सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेलवे भर्ती के बारे में सारे अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो ये कि फेरस क्लोराइड का आण्विक सूत्र क्या होता है। अब देखिए फेरस जो लोहा होता है ना दो प्रकार की संरचना दर्शाता है, एक होता है +2 एक होता है +3। अगर फेरस क्लोराइड है तो उसमें +2 होता है और फेरिक क्लोराइड है तो +3 होता है। तो पूछा कि फेरस क्लोराइड का होता है FeCl2। अगर ऐसे पूछता फेरिक क्लोराइड तो उससे सिम होता है FeCl3, आपको ध्यान रखना है। तो फेरस क्लोराइड का सूत्र होता है FeCl2। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि कौन सा रेडियोधर्मी तत्व होता है, रेडियोधर्मी धातु होता है जो केंद्रीय ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत होता है, जिसकी खोज 1789 में हुई थी और उसका परमाणु क्रमांक 92 है। यानी कि आपसे पूछा है कि भाई कौन सा रेडियो एक्टिव आपका एलिमेंट होता है जो आपके 92 नंबर पर आता है और उसमें आपके केंद्रीय ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा होता है, इसकी आपके खोज हुई थी 1789 में हुई थी। तो देखिए आपका जो यूरेनियम होता है ना वो 92 पे आता है, यूरेनियम होता है 92 और 235, ठीक है। इसका जो आपका द्रव्यमान संख्या होती है 235 होती है और इसका जो आपका परमाणु संख्या होती है 92 होती है यूरेनियम। तो यूरेनियम है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा का पता लगाता है। अब देखिए विद्युत धारा का आप ऑप्शन में देखोगे तो आप कन्फ्यूज हो सकते हो कि एमीटर जो होता है ना वो इसका राइट आंसर होना चाहिए आपको लग रहा होगा, लेकिन एमीटर राइट आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एमीटर होता है ना वो विद्युत धारा को मापता है, उसका मेजर करता है, लेकिन पता लगाता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर भी आपको विद्युत धारा को मापने का यंत्र ही होता है, लेकिन ये आपके कम मान की धारा होती है उसका पता लगाता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है गैल्वेनोमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा, ना कि आपका एमीटर। एमीटर भी विद्युत धारा मापता है लेकिन कम मान की धारा है वो गैल्वेनोमीटर मापता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एक अचल स्थान से चलकर एक लड़की है वो 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, तो साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। और देखिए एक साइकिल से कोई लड़की चल रही है, त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन दर, यानी कि a होता है ना वो आपका होता है v - u/t, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टाइम। अब देखिए अंतिम वेग है आपका 6, प्रारंभिक वेग 0 बटे टाइम है 30, तो 6/30 यानी कि 1/5, 1/5 का मतलब 0.2, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, त्वरण इसका मान ये हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एक ही निम्नलिखित में से विषम की पहचान कीजिए, ओड वन आउट कीजिए। देखिए लकड़ी, पीतल, स्टील और कॉपर, अब देखिए सारे के सारे ये होते हैं ना ये ऊष्मा के और विद्युत के चालक होते हैं सारे के सारे तीनों, लेकिन लकड़ी होती है वो कुचालक होती है, इसलिए लकड़ी है ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। अब देखिए हम जानते हैं ऊर्जा होती है ना सभी स्थितियों में बाहर निकलती है, लेकिन मैंने आपको श्वसन वाला चैप्टर पढ़ाया था, आपको बताया था कि श्वसन ऊर्जा जब हम लेते हैं तो उस स्थिति में आपकी जो वायवीय श्वसन होती है यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो आपकी श्वसन क्रिया होती है उसमें आपकी ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, और ये आपकी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर आ जाएगा।
चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो एक 257 डिग्री सेल्सियस पर पानी होता है, जल किस अवस्था में पाया जाएगा। अब देखिए आप जानते हैं कि जो पानी होता है ना वो उसका जो आपका क्वथनांक होता है ठीक है वो आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर आप किसी पानी को गर्म करोगे तो वाष्प अवस्था में बदल जाएगा। तो 100 डिग्री से ऊपर आपके 257 डिग्री है, 257 डिग्री पर अगर आप पानी को गर्म करोगे तो आपके बदल जाएगा किस अवस्था में, आपके गैस अवस्था में, ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो ये कि टैकी ग्लासेस जो होता है, टैकी ग्लासेस ठीक है, वो किसके बीच एक संयोजक कड़ी होती है, मतलब किन किन प्राणियों के बीच में आपके ये पाया जाता है टैकी ग्लासेस, यानी कि दोनों के बीच की कड़ी होती है। तो आपके जो सरीसृप और स्तनधारी होते हैं ना, रेप्टाइल्स और मैमल्स, इनके बीच की कड़ी होती है, सहजीविता होती है ठीक है, सिम्बोलिस इसको बोलते हैं इस प्रकार से। तो ये आपका सरीसृप और स्तनधारी के बीच की आपके ये कड़ी होती है, कनेक्टिव लिंक होती है ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मंदता किस प्रकार का त्वरण होता है। देखिए मंदता का मतलब होता है कि आपका त्वरण होता है ना उसमें ऋणात्मक परिवर्तन, यानी कि आपका जो वेग था ना वेग को अगर कम कर देते हैं तो जो त्वरण होता है ना ठीक है, आपका जो होता है ऋणात्मक त्वरण ठीक है, उसे हम बोलते हैं मंदता डी एक्सेलरेशन। तो ये आपसे पूछा है ठीक है, तो ये आपका मंदता होता है ना एक प्रकार का त्वरण होता है लेकिन कैसा होता है, ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 2 किलोवाट में कितने जूल होते हैं। अब देखिए 1 किलोवाट होता है ना उसमें जूल होते हैं 3.6 × 10⁶, लेकिन आप सोचा कि 2 किलोवाट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 7.2 × 10⁶ जूल ठीक है, 7.2 × 10⁶ जूल इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 100 वाट का एक बल्ब है, उसका उपयोग किया जाता है, 3 दिनों में खपत होने वाली ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके ऊर्जा का मान होता है ना वो आपके होता है, देखिए ऊर्जा का मान होता है ना, अब देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको सही कर देता हूँ। तो मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन आपका सही कर दिया। अब देखिए आपकी जो शक्ति होती है ना, जो आपकी खपत ऊर्जा वो आपकी होती है, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है कि आपकी शक्ति होनी चाहिए वाट में ठीक है, आपका समय होना चाहिए घंटे में, बटे 1000 का भाग लगा देते हैं, ये आपका फॉर्मूला होता है आपके जो ऊर्जा व्यय होती है उसको ज्ञात करने का। अब देखिए 100 वाट आपको दे रखा है पावर ठीक है, टाइम आपको दे रखा है 3 घंटे, वो 3 दिन, और आपका 1 दिन में काम आती है 8 घंटे ठीक है, और आपको 1000 का भाग लगाना है, तो 1000 का भाग लगाएंगे, ये 2020 और यहाँ पे 3 × 8 यानी 24/10, 24/10 का मतलब होता है 2.4, तो 2.4 किलोवाट आवर्स ठीक है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो ये कि प्रकाश की गति कितनी होती है। तो देखिए प्रकाश की जो गति होती है ना वो आपके होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि जब लगाया गया बल विस्थापन की किस दिशा में होता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए कार्य की परिभाषा से हम जानते हैं W बराबर होता है Fs cos थीटा ठीक है। अब देखिए जो cos थीटा होता है ना उसी के आधार पर कार्य का निर्धारण होता है, अगर cos थीटा 0 है कार्य धनात्मक होता है और अधिकतम होता है, अगर cos 0 है ना 0 डिग्री है, तो अगर cos थीटा 90 डिग्री है ठीक है तो cos 90 होता है 0, उस स्थिति में कार्य का मान होता है 0, अगर cos थीटा का मान है 180 डिग्री तो 180 cos 180 का मान होता है -1, उस स्थिति में W बराबर होता है -Fs, यानी कि अगर कार्य है आपके विपरीत दिशा में लग रहा है 180 डिग्री कोण पर लग रहा है तो उस स्थिति में जो आपका किया गया कार्य होता है वो आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो अगर बल की विपरीत दिशा में अगर विस्थापन लग रहा है, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में लग रहा है तो किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये कि गन्ना सामान्यतः किस प्रकार से उगाया जाता है। तो देखिए गन्ना होता है ना, गन्ने में कोई बीज नहीं होते हैं, गन्ने को बीच में से काट के और उस प्रकार से लगाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा, गन्ना जो होता है शुगर केन ठीक है उसको बीच में से काट के और फिर उसको लगाया जाता है ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि कौन सी धातु आपके होती है वो ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। देखिए होता क्या, आप जानते हैं कि कोई भी आपके सामान्यतः कोई भी धातु होते हैं, जैसे आपका मैग्नीशियम होता है, अगर वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिए तो उसका ऑक्साइड बन जाता है ठीक है, जैसे मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया। तो आपसे पूछा कि कौन सी ऐसी धातु है ना जो आपके ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती है। अब देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन को रेलवे ने नेगलेक्ट किया था, लेकिन मेरे अनुसार जो आपका ऑप्शन नंबर इसका 2 है ना वो इसका राइट आंसर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपके सोना, चांदी और आपका प्लेटिनम होता है वो आपके नॉन रिएक्टिव एलिमेंट माने जाते हैं एक प्रकार से ठीक है, आपके नॉन एलिमेंट, नॉन आपका रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, मतलब ये आपके बहुत कम क्रियाशील होती हैं ठीक है, इसलिए इन पर जंग लगने की संभावना भी कम होती है और ये आपके ऑक्सीजन से अभिक्रिया भी नहीं करती हैं, ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका राइट आंसर होना चाहिए।
चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है। तो देखिए आपका मार्सिलिया है ना, वो आपके थैलोफाइटा में नहीं आता, ये आपका प्लांटी ग्रुप का होता है, ठीक है, इसलिए आपका थैलोफाइटा का नहीं आता है, ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा समान तत्व होते हैं जो एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। अब देखिए ये आपका जो नियम कहलाता है ना कि किसी भी पदार्थ में जो तत्व होते हैं समान होते हैं वो निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, इसी नियम को बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम। और ये आपका जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था, जैसे इस नियम के अनुसार क्या होता है, मान लीजिए आपका H2 है ना, तो H2O में आपका द्रव्यमान होगा ना हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का होता है, एक हाइड्रोजन को जाएंगे, दो ऑक्सीजन का होता है 16, तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो आपका अनुपात होता है ना 1:8 होता है द्रव्यमान का, ठीक है, तो ये आपका होता है निश्चित अनुपात का नियम, जिसको बोलते हैं आपका जोसेफ प्रॉस्ट का नियम भी इसको बोलते हैं, जोसेफ प्रॉस्ट ने इसको दिया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि धातु आघात वर्धनीय क्यों होती हैं और कोमल क्यों होती हैं। तो देखिए धातुएं होती है ना वो जिस लेयर में पाई जाती है ना, जिस परत में पाई जाती है, बहुत सारे परतों से मिलकर बनी होती है, तो धातुएं होती है ना वो एक दूसरे को फिसल सकती हैं, ठीक है, वो स्लिप कर सकती हैं, इसलिए आपकी धातु होती हैं वो आपके कोमल होती हैं और आघात वर्धनीय होती हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका राइट आंसर आ जाएगा, लेकिन इसका ट्रांसलेशन गलत है, मैं इसको सही कर देता हूँ, ट्रांसलेशन मैंने सही कर दिया, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है ना वो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि धातुओं की परत आपके परमाणु होते हैं वो परतें एक दूसरे से फिसल सकती हैं, ठीक है, इसलिए आपकी धातु होती है आघात वर्धनीय भी होती है और कोमल भी होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। और देखिए सीधी सी बात है, आप जानते होंगे ऑप्शन आप देख सकते हैं, एल्युमिनियम, तांबा और लोहा, ये तो पहले ही बहुत स्ट्रांग होते हैं, धातु होती हैं, तो आपका जो कॉर्क है ना इसका राइट आंसर आ जाएगा, कॉर्क जो होता है उसकी डेंसिटी होती है वो आपके पानी से कम होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जो आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। देखिए अब देखिए निष्क्रिय गैस होती है ना, उनको याद करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी में मैंने आपको वीडियो बना रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में केमिस्ट्री वाले सेक्शन में जाकर। अब देखिए आपके जो फर्क 18 तत्व होते हैं उनको बोलते हैं निष्क्रिय धातुएं, इनमें आपके पाए जाते हैं हीना अगरकर, ठीक है, हीना अगरकर और जीरो पे रनआउट, ठीक है, ये आपकी ट्रिक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन, ये आपका पीरियड वन में आती है, ये पीरियड टू, पीरियड थ्री, पीरियड फोर, पीरियड फाइव और पीरियड सिक्स, इस प्रकार से आपकी आती हैं। पूछा है कि पहले पीरियड में पहले आवर्त में कौन सी आती है, हीलियम, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर है इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, हीलियम इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो किसी वस्तु को सी व एफ के बीच में रखा जाता है तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी आकृति कहाँ बनेगी। तो देखिए दर्पण से और प्रतिबिंब से बनने वाली आकृति है विद ट्रिक मैंने आपको करा रखी है, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में हमारे वीडियो हमारे चैनल पर, तो आपको क्लास नाइन्थ आपको एक चैप्टर मिलेगा, क्लास टेंथ का नाइन्थ चैप्टर प्रकाश ऑप्टिक्स को आप देख सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ भी बताता हूँ, देखिए जो आपको अवतल दर्पण से जो आपका प्रतिबिंब मंथन को ट्रिक होती है इनफाइनाइट CF और इनफाइनाइट CF, ठीक है, इस प्रकार से लाइन खींच दीजिए। अब देखिए आपसे पूछा कि वस्तु को सी और एफ के बीच रखा गया, देखिए सी और एफ के बीच रखा जाएगा ना यहाँ, तो प्रतिबिंब बनेगा सी और अनंत के बीच, ठीक है, अगर वस्तु को रखेंगे सी और एफ के बीच तो प्रतिबिंब बनेगा सी और अनंत के बीच, तो सी और अनंत के बीच का मतलब है सी से परे, ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो ये कि मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आपको पता है मिट्टी में हमारे क्या हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मिट्टी में पैदावार नहीं होती है, तो आपको पता है हम बहुत सारे कंपोस्ट यानी कि खादों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर है इसका राइट आंसर आ जाएगा कि भाई मिट्टी में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए खाद का यानी कि कंपोस्ट का आपके उपयोग किया जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि रक्त तथा हड्डियां किस प्रकार के उत्तक के उदाहरण है। अब देखिए रक्त होता है ना वो क्या करता है कि आपके बहुत सारे आपके अंगों को आपस में कनेक्ट करता है, हड्डियां होती हैं वो भी आपके शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने में मदद करता है, तो ऐसे उत्तक जो आपके शरीर के अंगों को जोड़ते हैं उन्हें बोलते हैं संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका संगीत नोट्स एक दूसरे से अलग नहीं होता है, ठीक है, यानी कि आपसे बोले कि संगीत नोट्स होते हैं उनमें क्या चीज़ डिफरेंट नहीं होती, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो आपके इसका राइट आंसर आता है कि फ्रीक्वेंसी अलग नहीं होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, क्विक लाइम किसे कहा जाता है। अब देखिए क्विक लाइम कहा जाता है आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, ये इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, जब बिना बुझा हुआ पानी में H2O डालते हैं ये आपका बन जाता है स्केल्ड लाइम, ठीक है, स्केल्ड को लाइम बन जाता है यानी कि आपका बुझा हुआ चूना बन जाता है, और उसका सूत्र होता है CaOH2,
ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर आ जाएगा क्विक लाइम आपका होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो गाइज आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।